हेलो दोस्तों, आज हम मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ होती है मिडिल ईयर की, क्योंकि कुछ लोग मिडिल ईयर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उनको एक्चुअली लोकेशन नहीं पता होता कि मिडिल ईयर की एक्चुअल लोकेशन है कहाँ। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। सो आफ्ट एंड उसके बाद एक्सटर्नल एकोस्टिक मिएटस जहाँ पे इनसाइड ख़त्म होती है अंदर की तरफ, तो वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद ये जो रेड एरिया है यहाँ पे स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर बेसिकली एयर फील्ड कैविटी होती है, और ये एयर फील्ड कैविटी जो है ये मिडिल ईयर कहलाता है, और ये एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इनर ईयर की तरफ चलते हैं। आफ्टर द मिडिल ईयर ऑल्सो प्रेजेंट द इनर ईयर। सो इनर ईयर हैव अ बेसिकली पार्ट द कोकलियर, दिस सर्कुलर पार्ट इज कोकलियर एंड दिस पार्ट इज वेस्टिबुले एंड वेस्टिबुलर एंड कोकलियर एंड सम सेमी सर्कुलर कैनाल। कुछ यहाँ पे सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है जो कि पूरे तरीके से सर्कुलर नहीं होती, तो हम इनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो मिडिल ईयर पार्ट है, मिडिल ईयर पार्ट बेसिकली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्सटर्नल पार्ट एंड द इनर ईयर पार्ट। नाउ वी विल क्लासिफाइड व्हाट इज़ द एक्चुअल इनर ईयर एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मिडिल ईयर एंड व्हाट इज़ एक्चुअल एक्सटर्नल ईयर। सो नाउ यू कैन सी हियर द एक्सटर्नल ईयर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इन दोनों पार्ट को ही एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। इसके बाद मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। तो मिडिल ईयर क्या है, इस जो एयर फील्ड कैविटी है उसको मिडिल ईयर कहते हैं। अब बात करते हैं इनर ईयर की। तो इनर ईयर में तीन पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेस्टिबुलर, कोकलियर और सेमी सर्कुलर कैनाल। दीज आर थ्री पार्ट इज कॉल्ड इनर ईयर। सो इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में जो प्रेजेंट होता है पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल ईयर। तो दोस्तों, अब हम इस मिडिल ईयर की लोकेशन को टॉप से देखेंगे। तो टॉप से देखने के लिए सबसे पहले हमें स्कल वॉल्ट को, यानी कि जस्ट ऊपर से, सर के ऊपर से हमें कुछ पार्ट को उठाना पड़ेगा, तभी तो टॉप से दिखेगा। तो सबसे पहले हम स्कल वॉल्ट को उठाएंगे। स्कल वॉल्ट को उठाने के बाद, रिमूव करने के बाद, हम लोग ब्रेन सब्सटेंस को भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट ब्रेन सब्सटेंस के नीचे प्रेजेंट होता है मिडिल ईयर, पूरा ईयर का लोकेशन। तो तब हम टॉप से मिडिल ईयर को देख पाएंगे, जहाँ पे हमारा जो है क्रेनियल फोसा निकलेगा, उस फोसे में हम उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्कल वॉल्ट को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ इनर जो है ब्रेन सब्सटेंस को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्चुअल लोकेशन ऑफ द मिडिल ईयर टॉप से देख पाएंगे। तो दोस्तों, जब हम टॉप से स्कल वोल्ट को और ब्रेन सब्सटेंस को रिमूव कर देंगे, उसके बाद कुछ हमें इस तरीके का लोकेशन, इस तरीके का कुछ एरिया दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये एंटीरियर साइड है, तो यहाँ पर नोज़ आ जाएगा, और पीछे कुछ बाल बच जाएंगे सर्वाइकल रीजन के एरिया में, मतलब गर्दन पर नीचे की तरफ कुछ बच जाएंगे, क्योंकि टॉप को तो हमने रिमूव कर दिया है। अब टॉप को रिमूव करने के बाद हमें बेसिकली चार पार्ट डिवाइडेड जो है करेंगे हम इनको। तो ये क्या क्या चीज़ हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज़ पार्ट एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जो भाई नोज़ की तरफ है, आगे की तरफ है, वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा। और दिस इज़ पार्ट, ये दोनों जो हैं, ये जो पार्ट है ये मिडिल क्रेनियल फोसा, और ये एक को हमने मान लिया मिडिल और लैटरल क्रेनियल फोसा। और ये पीछे का जो आता है ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, क्योंकि ये बेसिकली पीछे है। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक बड़ा सा होल होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंटर कर रही होती है, उसको हम फोरामिना मैग्नम बोलते हैं। तो दिस इज पार्ट इज़ कॉल्ड फोरामिना मैग्नम। तो इस फोरामिना मैग्नम पर ये टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और टॉप ऑफ द फोरामिना मैग्नम, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड यहाँ पे मेडिल्ला भी होता है ऊपर की साइड से, फ्रॉम द अपर इट इज़ अ लोअर एंड ऑफ द मेडिल्ला वी कैन से। एंड यहाँ पे जो है दोनों मैच कर रहे होते हैं, मीट विद ईच अदर एट द फोरामिना
मैग्नम, क्या क्या, मेडुला एंड टॉप ऑफ द मैग्नम फोरामिना, दे आर मीट टुगेदर या मीट ईच अदर। तो नाउ हम लोग बेसिकली बात करेंगे अबाउट द मिडिल ईयर। तो आप इसे देख सकते हो, ये इंटरनल एकॉस्टिक एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्यूटस है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्यूटस के बाद दिस रेड एरिया विच इज़ प्रेजेंट द मिडिल ईयर, और यहाँ पे ये है आपका कोक्लियर, कोक्लियर के बाद ये वेस्टिबुले, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। बेसिकली इट इज़ अ बाइलेटरली, दोनों साइड प्रेजेंट होता है क्योंकि कान तो दोनों साइड होते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे मैं रफली कुछ डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ। तो दिस बोन इज़ कॉल्ड पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। दिस इज़ अ पिट्रस पार्ट, टेम्पोरल बोन का पिट्रस पार्ट होता है, ये रफली ड्रॉ किया हुआ है। टेम्पोरल बोन है वो ऑल्सो अदर पार्ट, अदर पार्ट इफ़ यू विल सी द अपर साइड देन स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड आफ्टर द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पोस्टीरियर साइड ऑल्सो वी हैव मैस्टॉइड पार्ट ऑल्सो विच इज़ द टेम्पोरल पार्ट ऑल्सो, एंड इनसाइड ऑल्सो द टिम्पेनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड आफ्टर टिम्पेनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑल्सो है स्टाइलॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यू कैन सी हियर। सो टेम्पोरल बोन हैव अ ऑन स्ट्रक्चर, लॉट ऑफ ऑन स्ट्रक्चर आफ्टर दिस पार्ट ऑल्सो, बट वी विल टॉक अबाउट द दिस पार्ट ओनली। दिस पिट्रल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बेसिकली मूव इनवर्ड, एंड इफ यू विल गो इनसाइड टू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्यूटस, एंड आफ्टर दैट यू विल मूव इन द मिडिल ईयर एंड इन द इनर ईयर। बेसिकली यू आर मूविंग इन द पिट्रस पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कान में धीरे धीरे अंदर जाते हो तो आप कहाँ जा रहे हो, तो आप पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर एंटर कर रहे हो। एंड विद इन दिस बोन, यानी कि इस बोन में कैविटीज़ होती हैं, देर आर कैविटीज़ राइट। सो नाउ वी कैन से हियर दिस इज़ अ, नाउ अगर हम मिडिल ईयर की वॉल्व की बात करें तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इस एरिया को हम कहेंगे लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, एंड दिस इज़ अ जो नोज की साइड है यानी कि आगे की तरफ, इसको कहेंगे हम एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, एंड दिस इज़ अ मिडिल ईयर ऑफ द मिडिल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। जो इनर ईयर की तरफ वॉल है प्रेजेंट, उसको हम इनर ईयर इनर वॉल कहेंगे या फिर मिडिल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, एंड जो पीछे की साइड प्रेजेंट है इसको पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। बट दे हैव अ सम डिफरेंट नेम ऑल्सो विच इज़ प्रोवाइड बाय द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर ऑफ द या अराउंड टू द मिडिल ईयर। सो वी हैव गिवन द नेम, सम नेम, सो हम कह सकते हैं द एनाटोमिकल डिटेल ऑफ द मिडिल ईयर ऑफ लैटरल वॉल। एनाटोमिकल नेम क्या होगा लैटरल वॉल का, पोस्टीरियर वॉल का क्या होगा, और मिडिल वॉल का क्या होगा, एंड एंटीरियर वॉल का एनाटोमिकल नेम क्या है, एनाटोमिकल नेम की हम लोग बात करेंगे। सो नाउ लैटरल वॉल हैव ऑल्सो अ मेम्ब्रेन, कह सकते हैं लैटरल वॉल जो है उसके पास मेम्ब्रेन होती है, सो हम इसे मेम्ब्रेनस वॉल भी कहते हैं या फिर टिम्पैनिक वॉल, बिकॉज विच इज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो हमने इसके अनुसार इसको टिम्पैनिक वॉल बोल दिया है, या फिर मेम्ब्रेनस वॉल बिकॉज इट हैव अ मेम्ब्रेन, सो दिस इज़ अ मेम्ब्रेनस वॉल। लैटरल वॉल को हमने यहाँ पे मेम्ब्रेनस वॉल कह दिया क्योंकि लैटरल वॉल के पास में, मिडिल ईयर की लैटरल वॉल के पास में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, सो मेम्ब्रेनस वॉल, और मेम्ब्रेन जो की है वो टिम्पैनिक होती है, तो इसलिए इसे टिम्पैनिक वॉल भी कहते हैं। अब अगर हम एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियर वॉल के जस्ट एंटीरियर वी कैन से द एंटीरियरली टू द मिडिल ईयर प्रेजेंट द कैरोटिड आर्टरी एंड कैरोटिड वॉल। सो वेरी डीप हियर कैरोटिड आर्टरी, वेरी डीप हियर ऑल्सो, बट हियर प्रेजेंट द कैरोटिड आर्टरी, सो वी कैन से दिस एरिया कैरोटिड वॉल। सो हमारे जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर के जस्ट आगे कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो कैरोटिड आर्टरी बहुत डीप होती है, डीपली प्रेजेंट होती है, तो हम इस एंटीरियर वॉल को नाम दे देते हैं यहाँ पे कैरोटिड वॉल। अब हम इनर वॉल की बात करेंगे तो इनर वॉल के पास क्या होता है, यहाँ पे लेब्रेंथ होती है, लेब्रेंथ ऑफ द इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर, लेब्रेंथ मीन बोनी स्ट्रक्चर, अलॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ बोनी स्ट्रक्चर, एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑल्सो बिकॉज हियर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट एंड सम मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रेजेंट, सो दिस इज अ
लेब्रेंथ एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर. सो हियर प्रेजेंट ऑल्सो द लेब्रेंथ, लेब्रेंथ प्रेजेंट, लेब्रेंथ पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर प्रेजेंट. सो इनर ईयर को हम लोग लेब्रेंथ वॉल भी कहते हैं. इनर वॉल को, मिडिल ईयर की इनर वॉल को लेब्रेंथ वॉल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेब्रेंथ पार्ट ऑफ द मिड इनर ईयर प्रेजेंट होता है. लेब्रेंथ पार्ट मीन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल ईयर एंड सम मेम्ब्रेन ऑल्सो. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड लेब्रेंथ पार्ट. सो दिस ईयर, दिस मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड लेब्रेंथ मेम्ब्रेन या लेब्रेंथ वॉल ऑफ द मिडिल ईयर. इनर वॉल को, मिडिल ईयर की इनर वॉल को लेब्रेंथ वॉल भी कहेंगे. दिस मिडिल ईयर हैव अ विंडो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर. हम पोस्टीरियर वॉल की बात कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर वॉल पे यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है और ये यहाँ पे टनल होता है, टनल, और यहाँ पे पीछे जाके एक छोटा सा एयर कैविटी होती है और यहाँ पे एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस बेसिकली इस पोस्टीरियर पार्ट को, पूरे पार्ट को हम लोग मैस्टॉइड एंट्रम नाम देते हैं, मैस्टॉइड एंट्रम. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड मैस्टॉइड एंट्रम. सो यहाँ पे क्योंकि मैस्टॉइड एंट्रम प्रेजेंट है, तो हम इस पोस्टीरियर वॉल को मैस्टॉइड वॉल कहते हैं. तो अब चारों वॉलों के बारे में आपको पता चल चुका है, मिडिल ईयर की चार वॉल के एनाटॉमिकली नाम क्या क्या हैं. सबसे पहला जो है लेटरल साइड है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस की साइड, यानी कि लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड टिम्पेनिक वॉल, क्योंकि यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अब हम एंटीरियर वॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है डीपली, तो यहाँ पे हम इसको कैरोटिड वॉल नाम दे देते हैं. और इधर लेब्रेंथ बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर के, तो हमने इसको लेब्रेंथाइन नाम दे दिया, लेब्रेंथान. अब यहाँ पे पीछे आप जाओगे पोस्टीरियर वॉल की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर वॉल के पीछे यहाँ पे एक विंडो होती है और यहाँ पे टनल होता है. टनल के पीछे यहाँ पे कुछ एयर फील्ड सेल्स होते हैं, या कह सकते हैं छोटा सा एयर फील्ड कैविटी होती है. तो ये मैस्टॉइड, इस पूरे एरिया को बोलते हैं मैस्टॉइड एंट्रम. अब मैस्टॉइड एंट्रम का पार्ट टच करता है पोस्टीरियर वॉल से, तो हमने इस पोस्टीरियर वॉल को नाम दिया है. इस पोस्टीरियर वॉल का एनाटॉमिकली नेम होता है मैस्टॉइड वॉल. सो दिस इज अ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मिडिल ईयर इफ यू विल सी फ्रॉम द टॉप. सो अगर आप टॉप से देखते हो, टॉप से देखने के बाद जब आप स्कल वोल्ट को रिमूव करते हो और ब्रेन सब्सटेंस को रिमूव करते हो, उसके बाद आप डीपली मिडिल क्रेनियल फोसा में जाते हो. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा. तो डीपली आप मिडिल क्रेनियल फोसा में वेरी डीप देखोगे, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर ऊपर से दिखाई देंगे. तो आपको ये चारों वॉल ऑफ द मिडिल ईयर दिखाई देंगी, है ना, इनर ईयर दिखाई देगा, और ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम द टॉप आफ्टर रिमूविंग द स्कल वोल्ट एंड ब्रेन सब्सटेंस. अब हम मिडिल ईयर को फ्रंट से पढ़ेंगे, सामने से सीधा वर्टिकल कट दे के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. वर्टिकल कट के द्वारा सीधा सामने से फ्रंट से पढ़ेंगे हम लोग मिडिल ईयर के बारे में.